देखो इसमें शक की बात नहीं है, सरकारी खुद शक के घेरे में है और कानून व्यवस्था महाराष्ट्र की पूरी बर्बाद हो चुकी है और उसी का परिणाम है कि सत्ता पक्ष के भी नेता वहां पे सुरक्षित नहीं है, उनकी भी हत्या की जाती है। यहां छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है और महाराष्ट्र की स्थिति क्या है अब ये अब सबको पता चल गई है। महाराष्ट्र में तो ये परिस्थिति है कि शाह फुले अम्बेडकर की विचारधारा खत्म कर मोदी और शाह की विचारधारा महाराष्ट्र में लाने का जो प्रयास किया जा रहा है और उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था में ये आपको बदलाव देखने मिल रहा है।